जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हार्दिक करते हैं स्वागत है मेरा और एक न्यू कार फोर सेल सिमुलेटर इन एंड्रॉय वाले एपिसोड में। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं अपना बढ़िया सा शोरूम ये भी ओपन ही है और उसके अंदर एक भी कार नहीं है। तो कार खरीदने के लिए हमें जाना पड़ेगा कार ऑक्शन जो 10 o'clock को खुलने वाली है। अभी तो 6 बज चुके हैं, मतलब अभी तो टाइम चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तो हम सीधे जा रहे हैं विलेज के अंदर। तो विलेज के अंदर ही हमें कार मिलने वाली है। तो ये रहा अपना बढ़िया सा विलेज। जो विलेज के अंदर पहुंचती है मैं एक रेड कलर की जो बढ़िया मारुति, नहीं मारुति तो नहीं, बढ़िया कार दिख रही है। तो देखते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसकी स्पायर प्राइस है सिर्फ 9000 रुपीज़। तो 9000 रुपीज़ की कार हमें कोई परचेस करने का शौक नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। ये है 65000 की, जो ये बढ़िया लग रही है, लेकिन हमारे पास सिर्फ बचेंगे 1000 रुपीज़। और 1000 रुपीज़ में हम इसका डैमेज ठीक नहीं करवा पाएंगे। लेकिन ये कार को भी मैंने जाने दिया। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ एक बढ़िया सी, ये रही जो ब्लैक कार है, जैसे जंप लग जाए, जो आसानी से लग गई है। तो ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा डर्टी लग रही है फ्रेंड्स मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। 34000, मतलब 34000 में बढ़िया लग रही है, लेकिन डैमेज मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि डैमेज कितना है कितना नहीं है। 49 डैमेज है, तो मतलब ये थोड़ी महंगी पड़ सकती है क्योंकि 34 के लिए और 40 के अराउंड ये हमें पड़ने वाली है। तो इसका कोई 60-70 नहीं देता मुझे, इसीलिए मैंने वो कार भी जाने दी है। तो अभी मैं इस लेडी के पास आ चुका हूँ और ये बढ़िया कार है, लेकिन ये हमारे प्राइस में भी है, लेकिन ये भी 50 अराउंड के आसपास डैमेज है। तो ये मुझे नहीं परचेस करनी चाहिए, जो कम डैमेज वाली होती है वही परचेस करेंगे फ्रेंड्स हम। ये भी बढ़िया लग रही है, कार तो सारी बढ़िया होती है। तो इसका भी 42, इसका तो प्राइस ही बहुत लो है। तो फ्रेंड्स इसको जाने देते, तो और आगे जाते थोड़ा। अबे भाई एक्सीडेंट मत कर देना, कार खरीदने उससे तुम मुझे हॉस्पिटल भेज दोगे। तो जो ये बढ़िया नानी और नाजुक सी कार दिख रही है, तो इसको हम परचेस करें, नहीं इसको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आसानी से, कर सकते हर कार को मैं परचेस कर सकता हूँ, लेकिन उतने पैसे होने चाहिए। लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो शाम हो चुकी है फ्रेंड्स। तभी मुझे जाना पड़ेगा सोने के लिए, तो मैं डायरेक्ट आपको सुबह ही मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे कार फोर सेल वाले एपिसोड में और एक न्यू सुबह हो चुकी है। तो अभी कार मार्केट ओपन हो चुकी है, तो कार मार्केट में जाते क्योंकि विलेज में इतनी कुछ ज़्यादा खास कार हमें मिली नहीं। तो हमें एक कार सेल करनी और एक कार हमें परचेज, मतलब परचेज करके बेचनी है। सेल और परचेज एक ही होता है, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं। रंग बिरंगी कार हमारे बीच में आ चुकी है, ये रही देख सकते, पहली सुपर कार हमें मिल चुकी है, लेकिन ये बहुत प्राइस वाली होगी देख सकते हैं। ये अनगिनत प्राइस इसमें लगा दे रहे लोग क्योंकि मेरे पास एक वाली गेम नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं, चलो मैं एक वाली गेम वैसे भी खेलता भी नहीं। मैं मेहनत से अपना शोरूम को बिल्ड करूंगा और सारी कार्स मेहनत से भी खरीदूंगा, लेकिन ये प्राइस बहुत ज़्यादा है सारी। ओ भाई ये कार बढ़िया है, इसका मैं नाम सच से भूल चुका, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये सारी कार हमें देखनी नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे प्राइस में ही नहीं है। जो प्राइस में ही शायद सही आ सकती है हमारे प्राइस में जी, आप 25000 और 36 डैमेज है, मतलब ये खरीद सकते हैं और ये खरीद भी ली हमने, जिसको सीधा हम भेज देते हैं अपने टो करके उधर ऑफिस के पास में। ऑफिस ये बढ़िया है, ये तो हमने शायद से एक बार खरीद दी, लेकिन 40000 मतलब उस अपनी दो कार को हम वो डैमेज फिक्स नहीं करवा पाएंगे, तो ये गलत बात है। डैमेज फिक्स करा के बेचेंगे तो शायद से ज़्यादा पैसे मिलने के हमें। तो ये ओ माय गॉड ये सारी पैसे वाली गाड़ियाँ है, ज़्यादा पैसे वाली गाड़ी है फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये भी 73000 रुपीज़ की है। तो मुझे नहीं लगता अभी और एक कार हमें खरीदनी चाहिए क्योंकि उस कार को भी हम सेल करके कर देंगे। बाई तो कर ली, लेकिन सेल करना पड़ेगा ना हमें, ये भी ज़्यादा महंगी है। तो ये कार का मैं प्राइस पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं सीधे जाता हूँ अपने ऑफिस के अंदर। ये भी 58 है, मुझे लगता है वो 40 के आसपास वाली थी, वो खरीद लेनी चाहिए थी ये। तो फ्रेंड्स मैं ये खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे तो नहीं है। 30000 में दे तो मैं खरीद लूँगा, नहीं जाने दो, मैं सीधा जा रहा हूँ अपने ऑफिस के पास क्योंकि अभी मेरे पास एक भी कार खरीदने के पैसे ही नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं वेदर कितना बढ़िया हो रहा है, और मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस के पास और ये हमारी रेड कार को लेके इसको हम सीधा करेंगे 36, मतलब इसको थोड़ा हमें करना पड़ेगा वो क्या कहते हैं रिपेयर करवाने के लिए। मैं जा रहा हूँ अपने गैरेज के, जो सामने अपना गैरेज है, लेकिन ये चल नहीं, बढ़िया चल रही है। तो वो साउंड भी बढ़िया है इस गेम का, अभी मुझे साउंड सुनाई दिया क्योंकि हमने कार अभी तक नहीं यार और एक ठोक भी कार अभी तक हमने चलाई नहीं थी। कार में चलाने का मौका बहुत कम देता हूँ अपने आप क्योंकि अभी मैंने कार और सुपर कार से अभी खरीदी नहीं है। तो सुपर कार खरीद के लेकिन अभी थोड़ी देर है क्योंकि अभी थोड़ा हम पैसे जमा करने में लग गए और ये कार को हमने रिपेयर करा दिया, पेंट करा के थोड़ी और चकाचक कर देते, मतलब खर्चा हमने ज़्यादा कर दिया इस कार के ऊपर। तो अभी मैं सीधा इसको बेचने जा रहा हूँ। तो ये कितने में बिकेगी आप जाके कमेंट में कर देना फ्रेंड्स। लेकिन ये अपना हेलोवीन वाला अभी मौसम खत्म क्यों नहीं हो रहा भाई, अपडेट भी मुझे लगता अभी तक आया होगा तो मैं चेक कर लूँगा। अब रुक 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 ओ बच गई तो इसको इधर ही पार्क कर देते, इसका इंजन बंद करो पहले।
बहुत आवाज करता है। तो इसको हमने इधर ही रुक कर दी है, बढ़िया लग रही है देखो, ब्लैक कलर की रेड कलर की जो इतनी अच्छी लाइन लग रही थी। 25,000 की खरीदी थी और अराउंड मैंने 5,000 का अराउंड मैंने खर्चा कर दिया, तो इसको हम 60,000 में बेचेंगे। एक दो तीन चार देखना पड़ता वीडियो, अभी 60,000 में बेच दी, नहीं बेची नहीं अभी तो सेल में डाले। ऑफिस इज ओपन, मतलब अभी कस्टमर की लाइन लगने वाली है हमारे ऑफिस के अंदर। अभी ये मुझे बहुत बढ़िया बिल्ड करने का है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है पैसे। कोई बात नहीं, चलो कस्टमर आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो एक कस्टमर हमारे बीच में आ चुका है अपने ऑफिस के अंदर, तो इससे हम टॉकिंग करते हैं। दे दे 30 मतलब हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ऐसा ना भाई। कोई बात नहीं, इसको बेचनी। अबे यार मैंने गलती से बेच दी फ्रेंड्स, हमारा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट में लॉस हो गया है फ्रेंड्स। ये गलती मैंने कर दी, मैं इसको मना करने वाला था और ये बिक गई। तो फ्रेंड्स आज के दिन का और एक नुकसान हो गया है हमें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।